तो चलिए बात करेंगे टंगमर की, जहां पर आज लोगों द्वारा जो है मार्केट में प्रोटेस्ट किया गया। लोगों की काफी वक्त से डिमांड है कि फायर सर्विसेज की बात करें तो पूरे इलाके में सिर्फ एक ही गाड़ी जो है मौजूद है, और ऐसे में उनकी डिमांड है कि प्रशासन को एक और गाड़ी जो है उन्हें मुहैया करवानी चाहिए। देखिए टंगमर से ये आदिल डार की खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो एहतियात खामोश एहतियात जो चल रहा है इस वक्त टंगमार्ग मार्केट में, यहाँ पे जो हमारे मसला है वो फायर सर्विस का मसला है। यहाँ पे तकरीबन इससे तकरीबन 4-10 साल पहले यहाँ पे 2 गाड़ी रहते थे टंगमार्ग फायर सर्विस में। उसके बाद पता नहीं 1 गाड़ी को कहाँ ले गए, 1 गाड़ी यहाँ पे रखी है उन्होंने। जो इतना बड़ा इलाका है, जो यहाँ पे ऐसे आए प्रेशर होता है कि जहाँ पे आग जमी होती है वहाँ पे कोई मकान बचता नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल होगा, कुछ भी होगा, कोई चीज़ नहीं बचती। यहाँ पे पिछले साल हमें कुछ महीने पहले हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक को आग लगे, 6-7 दुकान थे, वो तकरीबन वहाँ पे इसी लोग काम करते थे। आज तक वो ऐसे ही है, ना बिल्डिंग बनी है ना कुछ बनी है। कल जो एपिसोड हुआ यहाँ पे एस डी पी ऑफिस में, जो पूरा खाकसार हो गया है। 1 गाड़ी यहाँ पे आदमी 6-8 है, वहाँ पे ड्राइवर 1 है। यहाँ हमारी डिमांड यही है कि यहाँ पे दूसरी गाड़ी आनी चाहिए। हमने इससे पहले भी गवर्नर साहब से भी अपील की थी, डीसी बारामूला साहब से भी अपील की थी। आज हमने फिर इसी से एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी गाड़ी आनी चाहिए, कि ये बड़ा इलाका है यहाँ पे। आपको पता है कल कितना बड़ा वारदात यहाँ पर हुआ आग का, तो इसलिए हमने पहले भी गवर्नर साहब से डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर दूसरी गाड़ी आनी चाहिए। हमें ये समझ नहीं आता है, आज 30 साल पहले यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ भी होती थी। हमें पता है जब से आबादी बढ़ी, तब आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त कितनी बड़ी है, यहाँ पर 1 गाड़ी है। और कल हमने अपने आँखों से देखा कि 5 मिनट में वो बिल्डिंग मतलब तबाह हो गई। अगर यहाँ पर दूसरी गाड़ी होती, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो वहाँ पर बच जाता। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द टंगमार्ग में दूसरी गाड़ी ला जाए। ट्रेडर्स एसोसिएशन टंगमार्ग और आम लोगों ने आज मेन मार्केट टंगमार्ग में एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि अगरचे टंगमार्ग में फायर सर्विस स्टेशन यहां पर कायम है, लेकिन सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। अगरचे टंगमार्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ 1 गाड़ी जो है आगजनी के दौरान जो है पूरे इलाके को कैटर नहीं कर पा रही है। अगर इससे पहले यहाँ पर 2 गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन किन वजूहत की बिना पर जो है 1 गाड़ी को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। इलाके के लोगों ने जो है गवर्नर इंजाम के साथ साथ डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कश्मीर पर जोर दिया, यहाँ पर एक और गाड़ी होनी चाहिए ताकि आगजनी के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेव करने में कामयाब हो पाए। अगर इलाके लोगों ने बार बार इस मसले को गवर्नर इंजाम के साथ साथ यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की जो इंतजाम है बार बार जो है इस हवाले से मुताला किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि हाल ही में आपने देखा एसडीपीओ ऑफिस जो टंगमार्ग में कायम था वो पूरी तरीके से खाकस्तर हुआ। अगर यहाँ पर एक और फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी हो तो कहीं ना कहीं जो है उस प्रॉपर्टी को सेव किया जा सकता था। इससे पहले भी यहाँ पर एक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जो है वहाँ पर आगजनी हुई थी, तो एक ही गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से इसको बचाने में जो है नाकामयाब साबित हुई। अब दिन ब दिन ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि टंगमार्ग फायर स्टेशन में एक और गाड़ी होनी चाहिए।